नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। और अभी हम बात करने वाले हैं स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर आ रही सबसे बड़ी खबर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे 21 सितंबर से कौन कौन से राज्य में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पूरे देश की कि कब से पूरी तरीके से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर ही देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस और आगे भी ऐसी ही जानकारियां और ऐसी ही न्यूज सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन को भी। और साथ ही अगर आपको पूरी न्यूज पढ़नी तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, इसलिए वहां जाकर आप पूरी न्यूज पढ़ भी सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे स्कूल खोलने को लेकर आ रही सबसे बड़ी खबर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 21 सितंबर से राज्य सरकारों को आदेश दे दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से कि 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें राज्य सरकार पर निर्भर करती है। अब कौन सी राज्य सरकार स्कूल खोलेगी, कौन सी राज्य सरकार नहीं खोलेगी, आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल खुलने की उम्मीद बेहद कम है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सितंबर में स्कूल व कॉलेज बंद रहने के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा है कि बढ़ते कोरोना के मामले के चलते 21 सितंबर से स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खुलने की संभावना बहुत ही कम है। स्कूलों को आंशिक रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और फिलहाल स्कूल खोलना संभव भी नहीं है, ऐसा कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। यानी कि 21 सितंबर से राज्य में स्कूल खुलने बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में 30 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। हालांकि पटना के डीएम ने कंटेनमेंट जोन के बाहर क्लास 9 से क्लास 12 के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान अपने 50% शिक्षक और कर्मचारी को बुला सकते हैं। और वहीं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट को गाइडेंस के लिए स्कूल जाने की अनुमति दे दी जाएगी। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल ना खोलने का निर्णय लिया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यह आदेश दिया है कि फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाए और इसी के बाद से अब 30 सितंबर तक बिल्कुल पूरी तरीके से स्कूल बंद रहने वाले। इसके बाद बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। अब तक शिक्षा विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग को स्कूल खोलने की अनुमति देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। और इसी के साथ जब तक आपदा प्रबंधन विभाग स्कूल खोलने की अनुमति नहीं देगा तब तक छात्र छात्राओं को अनुमति नहीं होगी कि वह स्कूल जाए और ऐसे में राज्य सरकार स्कूल नहीं खोल सकती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र के मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी के कुछ स्कूलों ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी महामारी से संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को सैनिटाइज भी किया जाएगा, इसके साथ साफ सफाई भी की जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल खोलने की संभावनाएं बनी हुई है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में स्कूल 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे। हालांकि सिर्फ कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक बच्चे पेरेंट्स की लिखित अनुमति से गाइडेंस के लिए जा सकेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट किया है कि केंद्र की गाइडलाइन में स्कूल में बच्चे सिर्फ गाइडेंस के लिए जाने का जिक्र है। गाइडलाइन में कहीं पर भी क्लास लगाने का आदेश नहीं दिया गया है। बात करते हैं अब गुजरात की, तो गुजरात सरकार ने 21 सितंबर के बाद भी राज्य में स्कूलों को नहीं खोलने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की आज बैठक में यह फैसला लिया गया है और इसी की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने कहा कि महामारी की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। और आपको बता दें कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल आने की मंजूरी दी गई है। गाइडेंस के लिए जैसे कि हमने बताया है कि केंद्र सरकार ने अभी इसकी ही इजाजत दी है। बात करते हैं हरियाणा की,
तो हरियाणा सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है। केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन ने कहा कि इस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच 20 सितंबर या अक्टूबर में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जा सकते। आंध्र प्रदेश की अगर बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश में भी 21 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे, 5 अक्टूबर तक बंद किए गए हैं, स्कूलों को पाबंदी लगा दी गई है 5 अक्टूबर तक। तो इस प्रकार से कुछ राज्यों की बात कर लिए। अगर आप अपने राज्य की जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में सम्मिलित कर दिया जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ बातें थी किस राज्य में स्कूल खोले जाएंगे। बाकी अगर बात करी जाए फिलहाल की तो 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए गाइडेंस के लिए स्कूल खोले जाएंगे, क्लास नहीं लगेगी। लेकिन बाकी अगर स्कूल और कॉलेज की बात करी जाए तो फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। जैसे ही कि अगला कोई भी निर्णय आता है वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन को भी, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करिएगा। वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।